हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत से विदेश जाने वाले यात्री जहाज यानी क्रूज के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे इस लिस्ट में नंबर एक पे है इंडिया टू मालदीव्स। अगर आप इंडिया से मालदीव या मालदीव से इंडिया आना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपको मालदीव जाने के लिए क्रूज़ यानी जहाज़ केरला की कैपिटल कोची के पोर्ट ट्रस्ट यानी समुद्री का टर्मिनल से मिल जाएगी। आपको जो क्रूज़ इंडिया से मालदीव ले जाएगा उसका नाम कोस्टा विक्टोरिया क्रूज़ है। असल में यह क्रूज ओरिजिनेट होता है मुंबई से, बट यह कोची के रास्ते माले तक जाता है, माले यानी मालदीव्स के कैपिटल तक जाता है। अगर हम बात करें इसके जर्नी कॉस्ट की तो लगभग 24,000 टू 28,000 तक है अगर आप इसके सबसे लोवेस्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो। और इस पूरी जर्नी में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। नंबर टू पर है इंडिया टू सिंगापुर। इस रूट पर 2 साल पहले 2 क्रूजेस ऑन सर्विस थे, ड्रीम क्रूज एंड क्वांटम ऑफ सी। क्वांटम ऑफ सी ओरिजिनेट होता था केरला की कैपिटल कोची से और ड्रीम क्रूज ओरिजिनेट होता था मुंबई से। बट करंट में इन दोनों के बारे में कोई करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट जल्द ही इस रूट पर कोई न्यू क्रूज ऑन सर्विस होगा। नंबर थ्री पर है इंडिया टू दुबई। अगर आप इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं बाई क्रूज यानी जहाज से, तो आपको क्रूज़ मुंबई की इंटरनेशनल पोर्ट से मिल जाएगा। और जो क्रूज़ आपको इंडिया से दुबई ले जाएगा उसका नाम जेद्दा क्रूज़ है। इस जर्नी में लगभग 6 to 7 डे लग सकते हैं और इसके जर्नी कॉस्ट लगभग 56,000 to 60,000 हो सकती है। जर्नी कॉस्ट डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट डेक और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की वजह से। नंबर फोर पे है अबू धाबी। अगर आप इंडिया से अबू धाबी जाना चाहते हैं बाई क्रूज़ यानी जहाज से, तो जो क्रूज़ आपको इंडिया से दुबई ले जाएगा वही क्रूज़ आपको इंडिया से अबू धाबी ले जाएगा। इस पूरी जर्नी में लगभग 8 to 9 डेज लग सकते हैं और इसकी जर्नी कॉस्ट लगभग 60 to 65,000 है। जिद्दा क्रूज़ ओरिजिनेट होता है मुंबई के इंटरनेशनल पोर्ट से और वो आपको दुबई और अबू धाबी हर जगह ले जाएगा। अगर आप बिना भारत से विदेश गए क्रूज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप मुंबई टू गोवा जाने वाली क्रूज़ शिप यानी एंग्रिया को प्रेफर कर सकते हैं। एंग्रिया आपको मुंबई की इंटरनेशनल पोर्ट पे मिल जाएगी। इस पूरी जर्नी में लगभग 24 to 30 हवा लग सकते हैं और इसकी जर्नी कॉस्ट लगभग 6,000 to 10,000 तक है। तो गाइज, ये तो कुछ ऐसे जहाज जो कि ऑन सर्विस में है, बट गाइज इनके अलावा और भी कई सारे क्रूज हैं जो आपको इंडिया से विदेश ले जाते हैं, बट उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। वो कभी भी पोर्ट पर आ जाते हैं और वो कभी भी पोर्ट से चले जाते हैं, स्पेशली वो अपने यात्रियों के हिसाब से चलते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।